मैं हूं रंजना, मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे राज्यसभा के प्रत्याशी आदित्य साहू। सर ये बताएं कि कैसे आप भावुक हैं, आंसू के प्रति क्या कहेंगे? आंसू नेतृत्व ने जिस प्रकार से मुझे समर्थन दिया है, पार्टी को समर्थन दिया है, पहले भी एनडीए की एकजुटता रही है, राज उसको भी साबित करने का काम किया है कि हमारी एकजुटता में कहीं कोई दरार नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं। दूसरी तरफ यूपीए बिखरा हुआ है, चूंकि वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहचान कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसको फिर कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश देने का काम किया है कि मेरे से साधारण कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना करके यह संदेश गांव-गांव बूथ बूथ में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बीच गया है। और आज के दिन में जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार 3 दिनों से जो बधाइयों का तांता लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रत्याशी के प्रति, तौर पर मुझे सभी लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया है और शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का, जब प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी संदेश को देने का काम किया है कि प्रत्याशी के नाम पर कहीं कोई मतभिन्नता नहीं, सभी लोगों ने एक स्वर से सहमति देकर मुझे प्रत्याशी बनाया है। संगठन महामंत्री जी, क्षेत्र महामंत्री, सारे लोगों ने विचार करके एक साधारण कार्यकर्ता को आज प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए जिस प्रकार से 2.5 वर्षों में झारखंड का लोगों ने दुरुस्ता करके रखा है, जो काम होना चाहिए वो काम हुआ नहीं, बल्कि राज्य में रहने वाले पदाधिकारियों और अन्य लोगों का लोग खजाना भरने का काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं जिस पैसे से राज्य का विकास होना चाहिए उन पैसों का अपने विकास में लगा रहे हैं, ये झारखंड का दुर्भाग्य है। नहीं नहीं ठीक है, मैं कार्यकर्ता हूँ, अरे कार्यकर्ता के प्रति परिवार संगठन ने विश्वास प्रकट किया है तो स्वाभाविक है कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और झारखंड राज्य अंतर्गत रहने वाले लाखों लाख कार्यकर्ताओं के लिए संदेश जाता है कि कोई भी कार्यकर्ता बूथ का हो, मंडल का हो, जिला का हो, प्रदेश का हो, कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है। इसका उदाहरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और बहुत सारे लोग हैं। आपने मंगलवार का, चूँकि आज सौभाग्य का, मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में 8वां वर्ष है और मुझे सौभाग्य मिला कि आज के दिन मुझे नॉमिनेशन करने का पार्टी ने विचार बनाया, निर्णय लिया, संगठन का निर्णय के तहत आज मैं प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया हूँ। आपने सुना बार बार आदित्य साहू भावुक हो रहे थे और उन्होंने कहा कि झारखंड की उस महत्वपूर्ण मुद्दे को वो सदन में उठाएंगे और साथ ही इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता को जो यह सम्मान दिया है इसके लिए वो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व को इन्होंने धन्यवाद दिया है। हालांकि आप बार बार कैमरे के सामने देख रहे थे कि ये भावुक हो रहे थे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विधानसभा परिसर में ही यहाँ पर ये इन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवाया है और 10 जून को वोटिंग होनी है। फिलहाल 10 जून के लिए आप भी इंतजार कीजिएगा, उसके बाद क्या कुछ रिजल्ट होता है इस तो आने वाला समय बताएगा। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।